नाम है डॉक्टर इसरार अहमद और मैंने MBBS किया है गांव मेडिकल कॉलेज इंटरनेशनल से और 2000 में, और उसके बाद मैंने XCPS किया है इन 2010 एंड आई डिड एंड मैंने वहाँ से अमेरिका से USA से फेलोशिप्स की है 2015 में जॉन हॉपकिंस से एंड 2016 फ्रॉम द न्यूयॉर्क एंड और मैं लेजर विजन सेंटर के साथ 5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और हमने तकरीबन 2000 से ज़्यादा लेज़र पेशेंट जिसको लेजिक कहते हैं चश्मा उतारने का जो प्रोसीजर होता है जो ऑपरेशन होता है उसको लेज़र कहते हैं उसको हमने तकरीबन 2000 से ज़्यादा हमने पेशेंट्स का हमने अपने सेंटर में से जो मोस्टली हम लोग जो पहले हमारे जो बाहर के वार्ड में आजकल जो नया आया है जिसको फेमटो लेज़र कहते हैं पहले हमारे पास पाकिस्तान में नहीं होता था लेजिक होता था जो हम लेजिक करते थे उसको जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको कहते हैं ब्लेडलेस। ब्लेडलेस का मतलब ये होता है कि उसमें कोई ब्लेड यूज नहीं होता जो पहले हम लेजिक करते थे उसमें हम ब्लेड से जो उसका कार्निया का जो लेज़र करते थे तो उसमें फ्लेम बनाते थे उसमें हम ब्लेड यूज़ करते थे। जो न्यू टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड में जो अभी मानी जाती है लेटेस्ट के साथ वो अभी हमारे पास है जिसके वो ब्लेडलेस कहते हैं मीन्स उसमें कोई ब्लेड नहीं यूज़ होता जो भी फ्रॉम ए टू जेड जो प्रोसीजर होता है विद लेज़र मशीन्स होता है और 5 से 10 मिनट में दोनों आँखों के लेज़र फेमटो लेज़र हो जाता है। पेशेंट्स जो ग्लासेस पहनते हैं और उनको 18 साल की उम्र से गुजर चुके हैं हम 18 साल या 19 साल 20 साल के बाद इससे फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ उसका रीज़न ये होता है कि जो आँख की जो पूरी साइज होती है जो नंबर होता है वो 99% वो मैच्योर हो जाता है और उसके बाद नंबर या ग्लास नंबर बढ़ने की कम चांसेस होते हैं। तो हम जो 18 साल से ज़्यादा हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप जो हैं लेजिक फेमटो लेज़र या लेज़र लेजिक करवा लें। उसमें हम सबसे पहले उसका आई का एग्जामिनेशन करते हैं ठीक है उनका जो एक्सटर्नल आई का एग्जामिनेशन होता है उसके बाद उनको जो पीछे जो पर्दा जिसको रेटना बोलते हैं उसकी एग्जामिनेशन करते हैं कि उसमें कोई वीकनेस तो नहीं है और कुछ तो नहीं है। उसके देखने के बाद हम उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारे पास एक लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो लेज़र विजन कराते हैं जो लेजिक कराते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है उसको कहते हैं टोपोग्राफी। और जो टोपोग्राफी होती है वो हमारे पास लेटेस्ट मशीन है अभी स्कैन की और दिस इज द लेटेस्ट पूरे वर्ल्ड में उसको लेटेस्ट कहते हैं जिसे हम पूरा इन्वेस्टिगेशन पेंटा कैम जिसका कहते हैं जिसको लेटेस्ट जो टोपोग्राफी मशीन है पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है पेंटा कैम उससे हम उसका इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये जो पेशेंट है जो ग्लासेस पहन रहा है ये उसके लिए लेज़र के लिए या फेमटो लेज़र के लिए इसको कर सकते हैं ये फिट है उसके लिए या नहीं फिट है। तो हम हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जिसके बाद हम उसका सारी करके उसके बाद हम पेशेंट को बता देते हैं कि यू आर नाउ रेडी फॉर दी लेज़र प्रोसीजर होता है। मोस्टली ये पेनलेस होता है हम जो भी पेशेंट आते हैं उसमें कोई इंजेक्शंस और कोई चीज़ नहीं होती जस्ट हम उनको एक नमी ड्रॉप्स होते हैं ड्रॉप्स डालते हैं 5 मिनट्स बिफोर उसी दौरान लेज़र से पहले और एक आँख में मैक्सिमम 5 मिनट्स लगते हैं कि आपकी और दोनों आँख में नियर टू 10 to 15 आप उसको मिनट में 10 मिनट में आप उसको दोनों आंखों का लेज़र कर लेते हैं। अच्छा जो पेशेंट की हम जिनकी लेज़र या फेमटो लेज़र करते हैं कि वो दूसरे दिन से अल्हम्दुलिल्लाह उनको बिल्कुल जो जितना अपने ग्लासेस के साथ देखते थे उनको उतना ही नज़र आना शुरू हो जाता है और सिर्फ एक दो दिन में और जो बाकी जो विजन है वो भी उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो जाती है और 3-4 दिन के बाद वो अपनी डेली एक्टिविटीज जो के अपने रोज़मर्रा के काम हैं वो बिल्कुल कर सकता है। हम 3 किस्म के ड्रॉप देते हैं कुछ ड्रॉप होते हैं सिर्फ वो हम 2 से 3 हफ्ते तक ड्रॉप देते हैं बाकी एक ड्रॉप होता है जो आंखों को ठंडक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि वो कम से कम हमें 1 से 2 महीना चलाते हैं कि वो चलाते रहें। और इसके अलावा दूसरा इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट ये है कि रात को अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है तो जब वो लाइट पड़ती है तो उनका थोड़ा सा माइंड से डिस्टर्बेंस होती है पर अदर देन इसके अलावा और कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छा जो हम लोग यहाँ पे अभी जो लेज़र विजन सेंटर में जो हम लोग ये लेटेस्ट जो मशीन यूज़ करते हैं फेमटो लेज़र इसको वेव फ्रंट कहते हैं और ये पूरी दुनिया में लेटेस्ट मशीन है जिसको फेमटो लेज़र से किया जाता है और वो हमारे पास यहाँ पे अपने सेंटर में मौजूद है। तो लेज़र के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो लेटेस्ट मशीनें जो अलकान की हैं जो उसमें जो हम लेज़र मशीन यूज़ हैं वो X500 जो लेज़र मशीन है अलकान की वो यूज़ करते हैं
और जो हम फेमटो लेजर के लिए यूज करते हैं वो FS200 जो लेटेस्ट दुनिया में पूरी मानी जाती है फेमटो लेजर के लिए वो हम यूज करते हैं. दिस इज द अल्कान एंड दिस इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो लोग पेशेंट जो ग्लासेस लगाते हैं यंग पॉपुलेशन में, तो जो 18 से जो लड़के या लड़कियां जो 18 साल की उम्र के बाद वो दोनों फेमटो लेजर और लेजर करा सकते हैं. इस वो बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है. उससे पहले हम पूरी एग्जामिनेशन कर लेते हैं. उस एग्जामिनेशन के बाद अगर वो उनकी आंखें में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उनको लेजर या लेजर ये बिल्कुल फेमटो लेजर कराना चाहिए और उनको ग्लासेस से निजात मिल जाएगी.